क्या आप जानते हैं कि जिस वाईफाई सुविधा का आप लुप्त उठा रहे हैं यह असल में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट से विकसित की गई तकनीक से बनाया गया है। और साथ ही क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार की छोटी सी मात्रा का वजन कितना होता है? या फिर क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि अगर एस्ट्रोनॉट एक साल तक स्पेस में रहे तो उन्हें वहां जिंदा रहने के लिए कौन सी फेवरेटेबल कंडीशन की जरूरत होगी? ऐसे कई बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये भी नहीं जानते होंगे कि एस्ट्रोनॉट पहले स्पेस में गन भी लेकर जाते थे। दोस्तों, कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली बातें आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो के सफर के अंत तक आप जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचुरी, आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। फैक्ट नंबर वन, आज का हमारा पहला फैक्ट हमें बताता है कि अंतरिक्ष में न्यूट्रॉन स्टार का एक छोटी चम्मच जितना हिस्सा वजन में 3,600,000,000,000 kgs होता है। दरअसल एक न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर लगभग 20 किमी होता है। ये इतना घना है कि इसका मास हमारे सूरज का लगभग 1.4 गुना है। डेंस होने की वजह से ही पृथ्वी पर न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच वजन 4 बिलियन टन हो सकता है। फैक्ट नंबर दो, सदियों से हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर रोस्टिंग होती है क्योंकि इस ग्रह की सतह पर मौजूद लोहा पुराने समय से बचे हुए पानी और ऑक्सीजन से भारी मात्रा में संपर्क में आता है, जिसके चलते ये ग्रह लाल दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे चांद पर भी जंग लगती है? चांद पर वातावरण ना होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक पृथ्वी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आज तक ये कारण साबित नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर थ्री, अगला फैक्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हुए काफी जरूरी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पहले इस जरूरी सामान का हिस्सा बंदूक भी हुआ करती थी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दरअसल एक समय था जब सोवियत कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में जाते हुए साथ में शॉटगन भी ले जाया करते थे, और ये बंदूक किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन के खतरे को ध्यान में रखते हुए नहीं ले जाई जाती थी, बल्कि स्पेस से वापस आते हुए खतरे से बचने के लिए ले जाई जाती थी। रसिया को यह डर बना रहता था कि अगर उनकी लैंडिंग साइबेरिया के जंगलों में हुई और उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू नहीं किया गया तो जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे में खुद को बचाने के लिए और सिग्नल भेजने के लिए गन शॉट्स काम आ सकते हैं। स्पेस में ले जाने वाली इस गन का नाम TP-82 था, और यह एक ट्रिपल बैरल्ड सोवियत पिस्तौल थी जिसका इस्तेमाल 1986 से लेकर साल 2000 तक किया गया। फैक्ट नंबर फोर, हमारे सोलर सिस्टम में भले ही 8 ग्रह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी 8 ग्रहों में यूरेनस वो सबसे पहला ग्रह है जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। सौरमंडल में 7वें स्थान पर मौजूद यूरेनस को 1781 में खोजा गया था, क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि सभी ब्राइट प्लैनेट थे जो आसानी से नेक्ट आंखों से दिखाई देते थे। फैक्ट नंबर फाइव, स्पेस डेब्रीज की दिक्कत तो किसी से छिपी नहीं है। साल दर साल आउटर स्पेस में सैटेलाइट बढ़ने के साथ ही ये कचरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पृथ्वीवासी अभी इस गंभीर समस्या को लेकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। पर अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए फाइनली काम करने का मन बना लिया है। दरअसल ESA ने साल 2025 तक स्पेस में क्लियर स्पेस 1 नाम के एक स्पेस डेब्रीज रिमूवल मिशन भेजने की योजना बनाई है। ये मिशन पृथ्वी के आउटर स्पेस में डेब्रीज को साफ करेगा, साथ ही साथ खराब पड़ी सैटेलाइट को रिपेयर करने का इंतजाम भी करेगा। फैक्ट नंबर सिक्स, डोमिनोज और पिज्जा हट से आपके घर तक पिज्जा का डिलीवर होना तो आम बात है, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि किसी कंपनी ने स्पेस में पिज्जा डिलीवर किया हो? खैर आप नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पिज्जा हट इतिहास में पहली कंपनी बन गई है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के आउटर स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट को पिज्जा डिलीवर किया। फैक्ट नंबर सेवन, पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर दूर हमें जुपिटर जैसा ही एक और ग्रह मिलता है जो काफी अनोखा मीटियोरोलॉजिकल बिहेवियर दिखाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर मौजूद बादल कोरंडम से बने दिखाई देते हैं। बता दें कि ये वही मिनरल है जो रूबीज और सफरीज को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। फैक्ट नंबर आठ, स्पेस में एक गैलेक्सी ऐसी भी है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने डेथ स्टार गैलेक्सी रखा है। डेथ स्टार इसलिए क्योंकि समय समय पर इस गैलेक्सी में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से एनर्जेटिक ब्लास्ट स्पेस में शॉट होता रहता है, जिससे इसकी गैलेक्सी को भारी नुकसान पहुंचता है और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच की दूरी केवल 408 किलोमीटर है? देखा जाए तो अगर हम पृथ्वी से स्पेस स्टेशन की ओर वर्टिकली ड्राइव करें तो ये ड्राइव केवल 408 किलोमीटर की होगी, जो कि वाशिंगटन और बोस्टन के बीच की दूरी से भी कम है। फैक्ट नंबर टेन,
क्या आप जानते हैं कि एक आदमी को स्पेस में एक साल तक जीवित रहने के लिए खुद का 730 लीटर पसीना और यूरिन का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी की मात्रा काफी सीमित होती है। ऐसे में तरल पदार्थ की पूर्ति के लिए ये दो ही विकल्प हमारे सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि हमारे पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक जगह ऐसी भी है जहां अंतरिक्ष का सारा कचरा डंप किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट से लेकर सभी प्रोब इस डीपेस्ट पॉइंट में फेंके जाते हैं। इस पॉइंट को स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक ऐसी भी हार्ड ड्राइव है जो टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है। इस कैप्सूल का नाम ह्यूमन डीएनए को प्रिजर्व करने का काम होता है। फैक्ट नंबर 13, ये घटना 1054 एडी की है, जब एक चमकीला सितारा आसमान में दिखाई पड़ा था। 23 दिनों तक एस्ट्रोनोमर्स इस तारे को दिन के उजाले में भी स्पॉट कर सकते थे, तब वे नहीं जानते थे कि ये कौन सा फिनोमेना है। लेकिन 900 सालों बाद डच एस्ट्रोनोमर जेन ऑर्ट ने इस गुत्थी पर से पर्दा उठाया और बताया कि ये एक तरह का स्टार ब्रस्ट था, जिसे हम कर्ब नेबुला के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी इंसान कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारी 1967 आउटर स्पेस संधि के आर्टिकल 8 के अनुसार आपको ब्रह्मांड में किसी भी तरह का कोई अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 15, हमारे अंतरिक्ष में सबसे चमकीली चीज क्विजार है, जो हमारे सूरज से 429 ट्रिलियन टाइम ज्यादा चमकीले होते हैं। फैक्ट नंबर 16, अंतरिक्ष में एक ऐसा भी न्यूट्रॉन स्टार है जिसे हम मैग्नेटार कहकर बुलाते हैं। इस स्टार का मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर है कि 1000 मील्स दूर से भी ये आपके शरीर के सभी एटम्स को वराप कर सकता है, और 1,00,000 मील्स की दूरी से पृथ्वी पर मौजूद सभी क्रेडिट कार्ड का डेटा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकता है। फैक्ट नंबर 17, पृथ्वी से देखने पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का विजिबल साइज चांद से 4 गुना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये इतनी दूर है कि हमें आसमान में ये काफी धुंधली दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 18, अगर आप सोचते हैं कि आपका शरीर पृथ्वी पर मौजूद एटम्स और सेल की उपज है, तो बता दें कि हमारे शरीर का 90% मास स्टार डस्ट की बदौलत आया है। सोलर सिस्टम के सभी ग्रह, यहाँ तक कि इंसानी सभ्यता भी स्टार डस्ट के एलिमेंट एटम और सेल से ही बने हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि जिस वाईफाई सुविधा का आप लुप्त उठा सकते हैं, ये असल में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट से विकसित की गई तकनीक से बनाया गया है। ये एक्सपेरिमेंट मिनी ब्लैक होल का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद इस तकनीक के इस्तेमाल से वाईफाई का विकास किया गया। फैक्ट नंबर 20, पृथ्वी पर तो आपने कई बार हाई जंप का आनंद लिया ही होगा, लेकिन स्पेस के बाकी ग्रहों और तारों पर जंप करने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्या आप जानते हैं कि कैप्रिकॉन कॉन्स्टेलेशन में एक कॉमेट 67P एक ऐसा कॉमेट है जहां जंप लगाते ही आप स्पेस में एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि इस कॉमेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0.001 से लेकर 0.001 के बीच वेरी करता है। फैक्ट नंबर 21, हम सभी जानते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करने की भी एक लिमिट होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इंसान 1100 dB से ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस कर पाए तो वो एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण कर सकते हैं जो पूरी गैलेक्सी को तबाह कर सकता है। इतनी आवाज में पूरी गैलेक्सी की बर्बादी निश्चित है। फैक्ट नंबर 22, स्पेस में पिस्टल स्टार सबसे चमकीला तारा है। ये तारा हमारे सूरज से 10 मिलियन टाइम ज्यादा चमकीला है। फैक्ट नंबर 23, हमारे गैलेक्सी में हर 18 दिन में एक नए तारे का जन्म होता है। फैक्ट नंबर 24, साल 1974 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक जोम्बीज स्टार को खोजा जिसने उस समय सुपरनोवा का रूप ले लिया था। फिर साल 2014 में ये तारा फिर एक बार एक्सप्लोड हुआ, तब जाकर वैज्ञानिकों को इस बात का अंदेशा हुआ कि सुपरनोवा की स्थिति में प्रवेश करना तारे की आखिरी स्टेज नहीं होती। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि तारा अपनी आखिरी स्टेज में सुपरनोवा बनता है। फैक्ट नंबर 25, हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में सेडना एक बहुत ही छोटा डबा प्लैनेट है जो सूरज के चक्कर लगाता है। ये ग्रह सूरज के चारों ओर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मौजूद है। ये सूर्य से नेपच्यून की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा दूर है। शुरुआत में वैज्ञानिक मानते थे कि इस ग्रह को एक पासिंग स्टार द्वारा अपनी कक्षा में रखा गया है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर इसके अनोखे और अतरंगी ऑर्बिट के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फैक्ट नंबर 26, हालांकि आज हम हमारे ग्रह को प्लैनेट अर्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास में हमें इस बात की कोई व्याख्या नहीं मिलती है कि हमारे प्लैनेट का नाम अर्थ कैसे पड़ा और इसे अर्थ बुलाने की शुरुआत कहां से हुई। फैक्ट नंबर 27, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पृथ्वी पुरानी है, सूरज पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा पुराना क्या है? सबसे ज्यादा पुराना है पानी,
रिसर्च बताती हैं कि हमारी ग्लास में मौजूद 50% पानी 4.5 बिलियन साल पहले बना था, जिसका मतलब है कि पानी हमारी पृथ्वी और सूर्य की उम्र से भी ज्यादा पुराना है। तो ये थे कुछ अनोखे और अजीब फैक्ट जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये फैक्ट्स बिल्कुल सटीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी हम आपको स्पेस के इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।